channel. Please subscribe with notifications on. आप सब यह तो जानते होंगे कि धरती का 70% भाग जलमग्न है। आज हम मनुष्य भले ही चांद तक क्यों ना पहुंच गए हों, लेकिन हमारे ही धरती पर मौजूद सागरों और महासागरों के 20% पहलू को ही जान पाए हैं। और आज हमारी चर्चा इसी के एक भाग हिंद महासागर पर होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकज और आप देख रहे हैं मूव टू नो। हिंद महासागर जो कि इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि हमारे धरती का 20% पानी अपने अंदर समाये हुए है, जिसका कुल माप 7,86,000 घन मील का अनुमान लगाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है। इसकी गहराई लगभग 4,000 किलोमीटर की है। आपको बता देना चाहेंगे कि यह महासागर इतना विशाल आज से नहीं बल्कि 3.5 करोड़ साल पहले से ही है। इस महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसके उत्तरी छोर पर भारतीय उपमहाद्वीप है तो दक्षिण में अंटार्कटिका और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। अगर भारतीय पुराणों को देखा जाए तो इस महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब विदेशी व्यापारियों ने भारत आने के रास्ते के तौर पर इस महासागर को चुना तो उन्होंने इसे हिंद महासागर का नाम दिया। ये महासागर जितना विशाल और गहरा है उतना ही रहस्यमय भी है। शायद आप जानते हो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि ये मिलते ही हैं। जी हाँ, अरे पहले कहते हो कि मिलते हैं, फिर कहते हो कि नहीं मिलते हैं। अरे भैया नाराज मत होइए, बता रहे हैं। दरअसल ये इसलिए क्योंकि इनका पानी एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होता। हिंद महासागर का पानी अलग रहता है तो प्रशांत महासागर का अलग। एक नीला दिखाई देता है तो एक हरा। कुछ लोग इस रहस्य को धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों इन दोनों महासागरों का पानी एक दूसरे से नहीं मिलता। वैज्ञानिकों की माने तो दोनों पानी की ना मिलने की वजह खारे और मीठे पानी का घनत्व, तापमान, लवणता का अलग अलग होना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब दोनों सागर का पानी मिलता है तो इनके बीच झाग की एक दीवार बन जाती है, जिस कारण ये मिक्स नहीं हो पाते। जब हिंद महासागर की बात हो ही रही है तो क्यों ना इसमें पाए जाने वाले इनके जीवों पर भी चर्चा कर ली जाए। ब्लूरिंग ऑक्टोपस। ब्लूरिंग ऑक्टोपस एक अत्यंत विषैला जानवर है। यह चमकीले इंद्रधनुषीय नीले रंग के लिए जाना जाता है। इनकी लंबाई 12 से 20 सेमी की होती है, मगर आप इनके रंग और छोटे आकार पर मत जाइएगा। या भले ही विनम्र स्वभाव के होते हैं और जल्दी नहीं काटते, लेकिन इनके लार में बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। इनके काटने पर ना ही इंसान को मालूम चलता है और ना ही उन्हें दर्द होता है। कुछ ही देर बाद वे या तो पैरालाइज हो जाते हैं या फिर सांस ना लेने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सी कॉकरोच। ये जीव देखने में बिल्कुल हॉलीवुड की किसी मूवी का लगता है, लेकिन इसे बेहद खतरनाक दिखने वाले जीव को पहली बार सिंगापुर के कुछ शोधकर्ताओं ने 2018 में खोजा था। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ ब्लू व्हेल भी रहती है। जुलाई 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने एक स्टडी में
पाया था कि विलुप्त प्राय ब्लू व्हेल भारत की दक्षिणी पश्चिमी तट पर रहती थी और इनके व्हेल सॉन्ग भी सुने जा सकते थे। और तो और 2018 से 2020 के बीच लक्षद्वीप में अप्रैल और मई के बीच व्हेल एक्टिविटी चरम पर पाई गई, लेकिन साइंटिस्टों को अभी तक यह नहीं पता चला कि यहाँ पर ब्लू व्हेल रहती थी या रहती है। लेकिन आपको बता दे कि यहाँ ब्लू व्हेल की एक प्रजाति छोटी पिग्मी रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर।